નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હલો કિડ્સ, હાઉ આર યુ? સ્ટાન્ડર્ડ LKG. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન સબ્જેક્ટ ENV, યાની કે એન્વાયરમેન્ટ. ટુડેઝ અવર ટોપિક ઇઝ પ્લાન્ટ્સ, પાર્ટ 1. હલો સ્ટુડન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ LKG, સબ્જેક્ટ ENV, યાની કે એન્વાયરમેન્ટ. ટુડેઝ અવર ટોપિક ઇઝ પ્લાન્ટ્સ. પ્લાન્ટ્સ યાની કે છોટા પૌધા. આપને દેખાય હોગા સ્ટુડન્ટ, છોટા પૌધા બિલકુલ છોટા હોતા હૈ. વો પૌધા ઉસકો ક્યા બોલતે હૈ? પ્લાન્ટ્સ. યસ, અભી વો પ્લાન્ટ્સ હમે કેસે ઉગાના હૈ વો આજ સીખેંગે. There are the stages in a plant's life. Number them from 1 to 4. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाए ना, प्लांट्स को उगाने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट? देखो, ये क्या है? बीज. क्या है? बीज, यानी कि सीड्स. कोई भी प्लांट्स उगाने के लिए पहले हमें उसका सीड्स होता है, उसको जमीन के अंदर बोना पड़ता है, यानी कि उगाना पड़ता है. फिर इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे. फिर थोड़े दिनों के बाद उसमें से अंकुर फूटते हैं, ऐसे, यानी कि स्प्राउट्स. ऐसे अंकुर फूटते हैं. फिर हम इसको थोड़े दिन पानी पिलाते हैं, धूप इसके ऊपर आती है और ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे बनता है. तो इसको ये जमीन के अंदर का भाग है और ये जमीन के बाहर का भाग है. तो जमीन के अंदर जो जाता है इसको रूट्स बोलते हैं, यानी कि उसका, गुजराती में उसको हम बोलते हैं ना मूल. तो ये मूल है उसका. तो ये जमीन के अंदर रूट्स है, वो जमीन के अंदर रहता है. और ये लीफ है. क्या है? लीफ. और ये इसकी स्टेम है. तो ऐसे ऐसे वो होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है. इसको हम पानी पिलाते हैं, इसके ऊपर धूप आती है और ये जो रूट्स है ना, वो यहाँ जमीन के अंदर से उसको, जैसे हम बोलते हैं ना खुराक, उसको खाना, तो उसको जो चाहिए वो जमीन के अंदर से, वो जो ये रूट्स है वो जमीन के अंदर से ये रूट सब कुछ अपने आप ले लेता है. और ऐसे ही पौधे को बढ़ने में मदद करता है. फिर थोड़े दिनों के बाद वो पौधा थोड़ा और बड़ा होता है और ऐसे ऐसे बनता है. देखा आपने इतना सा पौधा कैसे बड़ा हो गया? ये क्या है? ये सब लीफ है. क्या है? लीफ. और ये क्या है? क्या है? फ्लावर. यस, ये क्या है? स्टेम, यानी कि उसकी डाली. लीफ यानी कि पान. बड यानी कि वो उसकी कड़ी होती है ना फ्लावर की, पहले ऐसे बनता है, फिर ऐसे बड़ा फ्लावर बनता है. ऐसे ही ये पौधा बढ़ता है. तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? यहाँ जो पिक्चर दिखा है उसको देखो. स्टेज इन ए प्लांट्स लाइफ. तो पहले हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो बढ़ता है, तो फिर क्या करते हैं, उसके हिसाब से ऐसे ही हमें स्टेज वाइज इसको यहाँ बॉक्स में नंबर देने हैं. तो अभी मैंने आपको समझाया, पहले हम क्या करते हैं, बीज को जमीन के अंदर उगाते हैं. तो पहला स्टेज कौन सा हुआ? सीड्स यानी कि बीज. तो हमें फर्स्ट नंबर किसको देना है? यहाँ. वेरी गुड. फिर हमने क्या किया? अभी मैंने समझाया आपको स्टूडेंट, क्या किया आपने, इसके अंदर पानी उसको दिया ना, पानी डाला इसके ऊपर.
और धूप आई और वो ऐसे ऐसे थोड़ा बड़ा, तो उसमें से क्या निकला, क्या निकला? यास, ऐसे अंकुर इसके अंदर से फूटा, उसको क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स। तो सेकंड स्टेज हमारा क्या हुआ प्लांट्स का, क्या हुआ? यस, ये स्प्राउट्स। सेकंड नंबर किसको देंगे? स्प्राउट्स को। यहाँ हम क्या राइट करेंगे? टू। यस, अभी ये इसमें से स्प्राउट फूटा। अभी थोड़े दिन हमने उसको पानी पिलाया, उसके ऊपर धूप आई, फिर वो पौधा थोड़ा बड़ा। तो कैसे बना? ऐसे कि ऐसे कैसे बना? यस, थोड़ा बड़ा तो ऐसे बना ना, उसके ऊपर धूप आई, हमने पानी उसको पिलाया, तो वो इतना बड़ा हुआ। तो हम थर्ड नंबर किसको देंगे? कौन से बॉक्स में हमें थ्री नंबर लिखना है, कौन से? यस, यहाँ हमें थ्री राइट करना है। अभी फिर उस पौधे में हमने पानी पिलाया और इसके ऊपर धूप आई, तो कैसा प्लांट्स बना? ऐसा, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, इसमें ऐसे बर्ड आई और ऐसे फ्लावर भी आया। तो फोर नंबर हम किसको देंगे? यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अभी हमने स्टेज की है प्लांट्स लाइफ, यानी कि प्लांट्स को उगाने में हम कौन से स्टेज से हम स्टार्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पे राइट किया। देखो पहले हम क्या करते हैं, उसका सीड उगाते हैं, उसमें से बीज निकलता है यानी कि स्प्राउट्स, और उसके बाद थोड़ा पौधा और बढ़ता है तो थ्री नंबर इसको हम देंगे, और लास्ट में हम फोर नंबर पूरे प्लांट्स को देंगे। फर्स्ट बीज, सेकंड स्प्राउट, थर्ड स्मॉल प्लांट्स एंड फोर्थ प्लांट्स। देखो स्टूडेंट, अभी हमने पहले पार्ट में सीखा कि हम प्लांट्स को कैसे उगाते हैं, पहले बीज बोते हैं, फिर उसमें से सीड, पहले सीड डाल के हम इसको बोते हैं यानी कि बीज डाल के, फिर उसके अंदर स्प्राउट होता है यानी कि उसका अंकुर फूटता है, और उसके बाद थोड़ा और पौधा बड़ा होता है, और उसके बाद और उसमें बर्ड और फ्लावर आते हैं। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में मेच द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विथ देयर करेक्ट नेम्स, आपको मैचिंग करना है। क्या मैच करना है? ये प्लांट्स से यहाँ पे नेम्स लिखे, उसके जो करेक्ट पार्ट है उसके साथ उसके नेम को हमें मैचिंग करना है। देखो यहाँ पे क्या राइट किया है, एफ ए ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। क्या राइट किया है? फ्लावर, फ्लावर यानी कि फूल। यहाँ पे एस टी ई एम स्टेम यानी कि डाल। यहाँ पे क्या राइट किया है, आर ओ ओ टी, आर डबल ओ टी रूट यानी कि इसका मूल। यहाँ पे क्या राइट किया है, बी यू बी बर्ड यानी कि कली, ए टी ए एफ लीफ यानी कि उसका पान। अभी हमें यहाँ आइडेंटिफाई करके उसका पार्ट्स के नेम है उसको उसके पार्ट के साथ मैच करना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ फर्स्ट कौन सा नेम राइट किया है, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर यानी कि फूल। तो प्लांट्स में से फूल कहाँ पे है? देखो ये क्या है, लीफ। ये क्या है, स्टेम।
ये क्या है? बर्ड। और ये क्या है? फ्लावर। तो हमें फ्लावर को फ्लावर के साथ मैच करना है। वेरी गुड, ऐसे है ना, इजी। यस, नेक्स्ट कौन सा राइट किया है? नेम एस टी ई एम, स्टेम, यानी कि डाली। तो प्लांट्स में डाली कहाँ पे है स्टूडेंट? कहाँ है देखो? यस, ये जो पार्ट है बीच का, उसको क्या बोलते हैं? डाली, स्टेम। तो हमें इसको यहाँ पे मैच करना है ऐसे, देखा? नेक्स्ट नेम कौन सा राइट किया है? आर डबल ओ टी, रूट, यानी कि उसका मूल कहाँ है? अब देखो, आपको तो अभी सब याद आ गया है ना? कहाँ है ये? है नो, ये नो, ये नो, ये यस। इसको क्या बोलते हैं? रूट। तो हमें रूट को इसके साथ मैच करना है। वेरी गुड, ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा नेम राइट किया है? बी यू डी, बर्ड, यानी कि कली। ये है नो, ये है नो, ये एक्सीलेंट, बर्ड यानी कि कली। ये इसको बर्ड बोलते हैं। तो हमें इसको इसके साथ मैच करना है। यस, नेक्स्ट नेम कौन सा है? एफ, लीफ, यानी कि पान। वो तो अभी आपको पता ही चल गया कौन सा है। देखो स्टूडेंट, ये सब लीफ है। यस, तो हमें इसको इसके साथ ऐसे मैच करना है। ये क्या है? फ्लावर। तो हमने इसको फ्लावर के साथ मैच किया। ये क्या है? स्टेम, यानी कि डाली। हमने इसको इसके साथ, डाली के साथ मैच किया। ये क्या है? रूट। तो हमने रूट के साथ इसको मैच किया। यहाँ क्या है? बर्ड, बर्ड यानी कि कली। तो हमने कली के साथ इसको मैच किया। यहाँ पे क्या है? लीफ यानी कि पान। तो हमने इसको लीफ के साथ मैच किया। तो आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट? प्लांट्स को कैसे हम स्टेज वाइज उगाते हैं, ये हमने सीखा। देखो स्टूडेंट, आज हम रियल प्लांट्स के द्वारा आइडेंटिटी करेंगे। देखो ये प्लांट्स है, और यहाँ पे ये देखो, ये दिखता है आपको? ये इसको रूट बोलते हैं। देखो रूट क्या है? ये रूट है, बोलिए रूट, यानी कि मूल बोलते हैं ना हम गुजराती में। और ये क्या है? स्टेम, स्टेम यानी कि एक ही डाली। और यहाँ देखो ये क्या है स्टूडेंट? ये लीफ है। क्या है? लीफ यानी कि उसके पान। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये क्या है? फ्लावर। यस, फ्लावर यानी कि फूल। और यहाँ देखो स्टूडेंट, ये बिल्कुल छोटी सी। और यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या है? बर्ड है ना, यानी कि कली। ये क्या आपने देखा? रियल प्लांट्स के द्वारा हमने इसकी आइडेंटिटी की। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।